कभी आपने सोचा कि आपकी गाड़ी के टायर हमेशा काले रंग के क्यों होते हैं, या फिर दुनिया भर के काले रंग में ही टायर क्यों होते हैं? आपने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि गाड़ी के टायर आखिर काले रंग के क्यों होते हैं, लाल, पीले, हरे या सफेद क्यों नहीं होते। तो चलिए इस बारे में आज हम आपको जानकारी देते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि टायर रबड़ के बनते हैं, लेकिन प्राकृतिक रबड़ का रंग तो स्लेटी होता है, तो फिर टायर का रंग काला कैसे हो सकता है? आपको बता दे, टायर बनाते वक्त इसका रंग बदल दिया जाता है और ये स्लेटी से काला हो जाता है। टायर बनाने की प्रक्रिया को बल्कनाइजेशन कहते हैं। टायर बनाने के लिए उसमें काला कार्बन मिलाया जाता है, जिससे रबड़ जल्दी नहीं घिसता। अगर सादे रबड़ का टायर 10,000 किलोमीटर चल सकता है, तो कार्बन युक्त टायर 1,00,000 किलोमीटर या उससे अधिक चल सकता है। अगर टायर में साधारण रबड़ लगा दिया जाए तो ये जल्दी घिस जाएगा और ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, इसलिए इसमें काला कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है, जिससे कि टायर काफी दिनों तक चल सके। आपको बता दें, काले कार्बन की भी कई श्रेणियां होती हैं और रबर मुलायम होगी या सख्त, ये इस पर निर्भर करेगा कि कौन सी श्रेणी का कार्बन उसमें मिलाया गया है। ऐसे ही किसी और जानकारी के साथ आपको रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए इजाजत दें।